हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब गार्डनिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फाइलोडेंड्रॉन्स के बारे में। फाइलोडेंड्रॉन्स एक शेड लविंग स्पेसीज है। ये एरेशिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहा जाता है वर्ल्ड चेकलिस्ट के अनुसार इसमें 489 प्लांट्स की वैरायटी है। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं मेरे गार्डन में के फाइलोडेंड्रॉन्स कलेक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं मेरा कलेक्शन। फाइलोडेंड्रॉन्स एक शेड लविंग स्पेसीज है। इन्हें इंडोर और आउटडोर भी लगाया जा सकता है। बहुत सारे फाइलोडेंड्रॉन क्रीपर वैरायटी के होते हैं और ये एक फुलाइज प्लांट है। मनी प्लांट्स, पोथोस या फाइलोडेंड्रॉन, इन वैरायटी में डिफरेंशिएट करना थोड़ा बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। चलिए अब देखते हैं मेरा फाइलोडेंड्रॉन का कलेक्शन। ये पहला मेरा फाइलोडेंड्रॉन है, फाइलोडेंड्रॉन हार्ट लीफ प्लांट। खूबसूरत डार्क ग्रीन कलर की पत्तियाँ, उसमें येलो कलर का वेरिएशन और हार्ट शेप लीव। ये प्लांट गार्डन की खूबसूरती बेहद ही बढ़ा देता है। ये गार्डन में फोकल पॉइंट है। जहाँ भी मैं रखती हूँ वहाँ का एरिया ग्रीन और सुंदर दिखता है। ये प्लांट मैंने मॉस स्टिक पे चढ़ाया हुआ है। ये प्लांट को एरियल रूट्स होती हैं। नोड में से ये एरियल रूट्स निकलती हैं। ये एरियल रूट्स मॉस स्टिक में धस गई हैं और इस वजह से इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। ये दूसरी वैरायटी फाइलोडेंड्रॉन की है, जिसे कहा जाता है ग्रीन ऑक्सीकार्डियम। इसे भी हार्ट शेप के लीव्स और डार्क ग्रीन शेड, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है। फाइलोडेंड्रॉन शेड लविंग प्लांट होने के कारण मैंने इन्हें शेड में रखा है। ग्रीन नेट के नीचे मेरे रखा हुआ है। ये ऑक्सीकार्डियम भी एक क्रीपर वैरायटी है और इसे भी मैंने मॉस स्टिक पे चढ़ाया हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारे एरियल रूट नोड से निकल रहे हैं। ये भी एरियल रूट इस तरह मॉस स्टिक में गए हुए हैं। जब मैं वाटरिंग करती हूँ तो मॉस स्टिक पे भी पानी डालती हूँ, जिसकी वजह से ऑक्सीकार्डियम को पानी मिल जाता है जो एरियल रूट इसमें हैं। ये जो पौधा है ऑक्सीकार्डियम, मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया है। गार्डन सॉइल का सिंपल सा मिक्सचर मैंने इसमें लिया है। गार्डन सॉइल और थोड़ा सा कोकोपीट, यही मिक्स मैंने इस प्लांट के लिए चुना हुआ है। लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए, इसके पत्ते देखिए, बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े साइज में डार्क ग्रीन शेड में ये पत्ते आ रहे हैं। ये जो तीसरी वैरायटी फाइलोडेंड्रॉन की है, इसे कहते हैं गोल्डन लीफ फाइलोडेंड्रॉन। पहली जो दो वैरायटीज मैंने दिखाई उनके लीव्स हार्ट शेप के थे, लेकिन ये ओवल शेप में और उनसे बहुत ही बड़े लीव्स है। ये भी एक क्रीपर वैरायटी है, इसे भी एरियल रूट्स आते हैं। मैंने अभी इसे मॉस स्टिक पे नहीं चढ़ाया हुआ है, लेकिन जल्द ही मैं इसे मॉस स्टिक पे चढ़ाऊंगी। ये जो लास्ट वैरायटी है, इसे कहा जाता है स्विस चीज फाइलोडेंड्रॉन, या इसका नाम है मॉन्स्टर क्रीपर। स्विस चीज इस नाम से इसे इसलिए जाना जाता है, चीज़ में जिस तरह से होल होते हैं, इसको पत्तों पे, इसके लीव्स पे उसी तरह के होल्स हो जाते हैं। वो भी नेचुरली उसके पत्ते इस तरह से होते हैं। ये भी प्लांट ग्रीन शेड में है और उसकी खूबसूरती उसमें जो होल्स है उसमें है। ये भी प्लांट 12 इंच के गमले में मैंने लगाया हुआ है और सिंपल से मिक्सचर में लगाया हुआ है। इसे भी मैं मॉस स्टिक पे चढ़ाने वाली हूँ। आप ये प्लांट्स इंडोर या आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं और फुलाइज के शेप और फुलाइज के कलर से ये आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरती, बेहद खूबसूरती लाता है। जब आप उसे मॉस स्टिक पे चढ़ाते हो तो उसके पत्ते बड़े बड़े आते हैं। और ये क्रीपर वैरायटी होने के कारण ये गार्डन में ग्रीन कलर, एक ऐसा ग्रीन कलर दे देता है।
जब आप ये प्लांट इंडोर रखते हो तो उसे इस जगह पे रखिए जहाँ पे फिल्टर सनलाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, विंडो आपके विंडो के बाजू में अगर कुछ जगह हो तो वहाँ, या जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है ऐसे जगह आप इसे रख सकते हैं। इसका रख रखाव वैसे बहुत ही सिंपल है, इसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। 2 महीने में एक बार मैं इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र में जो नीम की खली, सरसों की खली, जो जो खलियाँ अवेलेबल हैं उनका मिक्सचर मैं पानी में मिक्स करके फर्मेंट करके 24 या 48 आवर्स फर्मेंट करके वो पानी डाइल्यूट करके मैं इन प्लांट्स को देती हूँ। तो मैं इन्हें सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही फीड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर एक फाइलोडेंड्रॉन आप परचेज कीजिए और आपके गार्डन में इसे जगह दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, बाय बाय।